सुहेलदेव स्वामीमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा कि अभी तो और भी बहुत कुछ फेंका जाएगा। दारा सिंह चौहान पर तो अभी लोग सियाहियत देते हैं ना। दारा सिंह चौहान पर सियाही से लेकर के गोबर, माटी, पानी सब कुछ फेंकना चाहिए। ये 16 महीना में चुनाव होने का समय नहीं ना है। चुनाव से चुनाव का समय 5 बरिस चुनाव आयोग सरकार ने तय करने का काम किया है। अगर दारा सिंह चौहान को लालच नहीं होता सरकार में जाने के लिए, दयाल रेड्डी यहां से विधायक थे, 5 बरिसों विधायक रहते, उनके पद से उनको कौन हटाता? लोकतंत्र में जनता ने उनको अपना विधायक चुना था और 16 महीना में वो भी मंत्रिमंडल में जाने के लिए परेशान है। इस नाते सपा से इस्तीफा देकर के भाजपा में गए हैं मलाई खाने के लिए। जनता बता रही है कि दारा सिंह चौहान, यहां से आपकी राजनीति खत्म होने जा रही है, अब आप नहीं राजनीति में रह पाओगे। हरिगंज में प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने हाथ में हाथ पकड़ के कहा और संबोधित किया, हम लोग साथ साथ हैं, जो भी काल करेंगे हम लोग साथ साथ दूर करेंगे। अरे महाराज नहीं तो राजनीति से हम संन्यास ले, हम तो आपके चैनल पर बोला हूँ, एक तो तितलाऊ की दूसरे चढ़ गई लीप पर, हाँ की गाली सुन करके कौन भाजपा का नेता ऐसा होगा जो दारा सिंह चौहान को वोट देगा। दूसरा नेता ओम प्रकाश राजभर मंच से सारेआम उसने कार्यकर्ताओं की मां बहन को गाली दिया। आप बताइए ये कहां तक लोकतंत्र में है? लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, विरोध होता है, इस बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन किसी की मां बहन को अपने हाथ पर लेंगे? इस अपमान का बदला आपको बताया हूं, एक तो तितलाऊ की दूसरे चढ़ गई नींद पर आपको बताया हूं, इस अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता एक एक लोग 5 तारीख को छून छून करके ईवीएम की बटन दबाएंगे कि हमको किसको यहां से लखनऊ पहुंचाना है। किसकी ओर संकेत है आपका? अब हम अपने नेताओं से थोड़ा सा बात कर ले साहब जी, मालूम चूंकि लोगों के माध्यम से जो यहां संदेश आ रहा है उस पर बैठ करके बात करके आपको जानकारी इसकी देंगे, ऐसा नहीं है। जानकारी देने का विषय हम संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों के साथ मैं भी बैठ करके एक कप चाय पीऊं, पीने का काम करूं, पकौड़ी भी आप लोगों को खिलाऊं, जानकारी भी दे दूं। 2023 किसके नाम रहेगा? 2023 की 2024 2023 विधान उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव। अच्छा, ये विधानसभा का उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव तो दारा जी की बारात जनवासा रहेगी। अब उनकी बारात जनवासा रहने में जिसकी बारात लखनऊ पहुंचनी होगी, अरे तो जनता ने तय कर लिया है। पहुंचना तो भाई कोई ना कोई पहुंचेगा, हम अकेले तो पहुंचा देंगे। जनता ने घोषी का मन बनाई है कि हमको किसको पहुंचाना है, वो तय हो गया।